इज इट डॉन वाह 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 प्रेसिडेंट, लेकिन बच्चे कहते तू फिर भी नहीं फ्रैंक बिसर से। स्कॉर्पियो वो भी पीएस गैंगस्टर की। ताकत एक नशा है और मैं उस नशा बनाने वाली फैक्ट्री का। जैसे अपने पीछे कुछ पार्टनर करते हैं, फ्रैंकलिन और प्रेसिडेंट की बहुत बड़ी लड़ाई चली होती है, इस वजह से फ्रैंकलिन गुंडा बन जाता है और प्रेसिडेंट को बर्बाद करने के पीछे पड़ा होता है। लेकिन प्रेसिडेंट भी कम नहीं होता, प्रेसिडेंट को यह सब पता चल जाता है कि फ्रैंकलिन गुंडा बना, तो प्रेसिडेंट भी क्या कहता है कि नहीं नहीं सारे रास्ता वो कभी पुलिस फोर्स भेज देता, कभी यार फ्रैंकलिन को पेड़ मरवाने के लिए, क्योंकि यार कम नहीं है। फ्रैंकलिन अपने जासूस छोड़ दिया, फ्रैंकलिन अपने जासूस छोड़ दिया तो पता चलता है कि यार प्रेसिडेंट यार अपनी रैली में जाने वाला, जो कि आज रैली होने वाली है। फ्रैंकलिन ने भी प्लान कर लिया कि रैली में प्रेसिडेंट को उड़ाने का, और फ्रैंकलिन के लिए प्रेसिडेंट यार बहुत सारा सिक्योरिटी रखी है, पुलिस फोर्स ने भी फोर्स सारी फोर्स लगा दी, और इस वजह से यार फ्रैंकलिन को नॉर्मल व्यक्ति ऐसा नहीं जा सकता, तो इसलिए फ्रैंकलिन यार नई पावर लेने के लिए जाता है एक बाबा के पास, और उस बाबा के पास वो पावर लेकर के आता है घोस्ट। फ्रैंकलिन को आग से कुछ भी नहीं हो सकता, तो फ्रैंकलिन यार अब ये पावर लेकर के चलता है। तो गाइस देखिए क्या आज होने के वाला है, प्रेसिडेंट की रैली सक्सेसफुल होती है या तो यार फ्रैंकलिन का मिशन सक्सेसफुल होता है। प्रेसिडेंट ने मुझे बर्बाद करने के सारे प्लान बनाने की कोशिश करी है, लेकिन प्रेसिडेंट को पता नहीं है कि मैं भी फ्रैंकलिन हूँ, अपनी पावर लेकर के मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम लोगों को मेरी पावर देख रही है, और फ्रैंकलिन सर किस टाइप की पावर है, पावर इतनी खतरनाक है कि तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। सर ठीक है, अरे बाप किसी को बताना मत, तुम लोग ये कोई यहाँ से कोई खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। अरे खबर बाहर गई तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें मार डालूंगा बिल्कुल ही। हाँ हाँ फ्रैंकलिन सर हमें पता है, ऑब्वियस ही बात है सर आप हमें मार दोगे, अब आप हमें छोड़ोगे थोड़ी, लेकिन सर आप चिंता मत करिए, हम आपके लॉयल है, बिल्कुल लॉयल है, आपको पता हमको पता रहना चाहिए। तो लो मेरी पावर देखो, 1 2 3। सर ये कौन सी पावर है? फ्रैंकलिन सर ये क्या देगा, ये कभी का गंदी डरावनी पावर, सर इससे तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं देख सकते हो सर, आप जल नहीं रहे। अबे नहीं भाई मैं कैसे जल जाऊंगा, मैं जल गया तो हो नहीं गया काम, अबे ऐसे ही है। अरे फ्रैंकलिन भैया आकर के सो जाओ, कल सुबह करना है जो करना है, अभी मत दिखाओ इनको पावर। अबे दिखा दूंगा मैं सबको पावर, दिखा रहा हूँ। फ्रैंकलिन सर आप बड़े सही लग रहे हो, फ्रैंकलिन सर अब तो कोई भी आपसे नहीं टिक पाएगा। और नहीं तो क्या, घासों पे नहीं जाना क्योंकि घास में आग लग जाएगी। शेट यार घास में आग लग गई यार, उरु उरु फ्रैंकलिन सर ये तो गड़बड़ हो गई। अरे रुक जाओ बारिश हो रही है, सब हट जाएगा। आजो फ्रैंकलिन भैया आ रहा हूँ, 3 2 1। तो गाइस उल्टी गिनती करने से ये पावर चली जाती है। ओ फ्रैंकलिन सर ये कसम बात है, हाँ भाई उल्टी गिनती करने से ये पावर चली जाती है। तो कल है प्रेसिडेंट की रैली, और पक्की बात है प्रेसिडेंट वहां पे बड़ी बड़ी फोर्स लेकर के आएगा, नेवी फोर्स मिलिट्री फोर्स सब कुछ फोर्स लेकर के आएगा। तो फ्रैंकलिन सर हम भी रेडी हो जाते हैं ना, है ना, तुम्हें क्या बन के जाना है? हाँ फ्रैंकलिन सर हमें पता है हमें क्या बन के जाना है, हमें भली भांति ज्ञात है। तो गाइस ये लोगों को मैंने एक प्लान बताया है, जो कि यार वो प्लान मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि आपके सामने वो एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, आपको सारा प्लान बता दिया तो सारा मजा कर गिरा हो जाएगा। फ्रैंकलिन सर सुबह मिलते हैं फिर, हाँ भाई सुबह मिलते हैं, चलो भाई। फ्रैंकलिन भैया आ जाओ। हाँ फ्रैंकलिन भाई सो जाओ यार, अब बहुत टाइम हो गया। हाँ भाई सो जाते हैं भाई, तुम भी बारिश में मत रहो, सो जाओ। हाँ फ्रैंकलिन सर सो जाते हैं हम लोग भी। चप्पो कहाँ उठ गया? बात सब मैं तो ऐसी उठ गया, अब मेरे को मजा आने वाला भाई। कैसे बात सब? मतलब तू यार भाई क्या बदला लेगा प्रेसिडेंट से? क्यों नहीं लेंगे, प्रेसिडेंट की थूतड़ी ना नाप दूंगा। बात सब बिल्कुल बुरी तरीके से नाप दे थूतड़ी। तो गाइस यार आप लोग मेरे साथ हो ना, तो कमेंट बॉक्स में फ्रैंकलिन ओपी फ्रैंकलिन ओपी फ्रैंकलिन ओपी करते चले जाओ कमेंट। बात सब और नहीं तो क्या गाइस। तो गाइस शाम हो चुकी है, कल रात से मैं यही सोचे जा रहा हूँ कि ये फ्रैंकलिन अपना क्या नेक्स्ट स्टेप उठाता है, लेकिन फ्रैंकलिन शांत बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने नेवी फोर्स मिलिट्री फोर्स सारी फोर्स लगा दी हैं। कल मेरी रैली में कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए, और रैली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैली नहीं करूँगा तो भाई साहब देश के सामने अच्छा कैसे दिखूंगा, नहीं तो मैं तो गद्दारी साबित हो जाऊंगा ना, है ना, सही बात है ना, क्यों नहीं? हाँ फ्रैंक, हाँ सर जी, हाँ सर जी, प्रेसिडेंट सर जी आप सही बोल रहे हो, और क्या। तो भाई सुबह तक वेट करते हैं, और भाई मैंने जो गाड़ियाँ मंगाई हैं तुम लेकर के आ जाओगे ना? सर आपके उठते के साथ वो गाड़ी सामने खड़ी होगी। अच्छा देखते हैं तुम्हारे कमिटमेंट कितना ज्यादा सच होता है। अरे प्रेसिडेंट सर आपने हमें आजमाया ही कब है। अरे देखो हमारे प्रेसिडेंट की इतनी फटती काय को हमारी फ्रैंकलिन सर से, देख लो ना इधर देखो भाई, देख सकते हो क्या गाड़ी मंगाई है, आर्मर्ड कार मंगाई है, ओहो मर्सिडीज की एस क्लास मंगाई है, और मस्टैंग की पुलिस वाली मंगाई है। वाह 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 वा, प्रेसिडेंट, लेकिन बच्चे कहते तू फिर भी नहीं फ्रैंकलिन सर से। आने तो देखते क्या।
हाँ तो गाइस सुबह हो चुकी है शिनचैन। आई एम रेडी फ्रैंकली भैया। अरे बस ब्रो। अरे हाँ फ्रैंकली भाई। चुप बाबा सब। आई एम ऑलवेज रेडी ब्रो। मैं तो सोया ही नहीं इस चक्कर में। अरे गाइस प्लान ही कुछ ऐसा है, मैंने इन लोगों को बताया, इन लोगों को एक्साइटमेंट होने लग गई ना, है ना। फ्रैंकली सर आप चिंता मत करिए, प्लान के मुताबिक ही हर चीज हो गई। अगर प्लान के मुताबिक सब चीज नहीं हुई ना तो सर आपकी बंदूक और हमारा खोपड़ा। हाँ भाई ठीक है, भाई ठीक है, एक्टिंग तो वैसे तुम सही कर लेते हो फ्रैंकली भैया। अरे यार खांसी उठ गई क्या? और भाई प्लान के मुताबिक होगा ना फ्रैंकली सर? प्रेसिडेंट शॉप 12 PM। अबे हाँ 12 PM वो निकलेगा सर घर से। अच्छा 12 PM वो घर से निकल जाएगा। हाँ जी सर जी। और वो बॉस सर उसको एक बज जाएगा एक घंटा। हाँ जी सर जी। तो रास्ते बीच में तो कुछ नहीं करना ना? रास्ते बीच में भाई मैं तुम लोगों को पता है ना यार, मैं यार कुछ नहीं बताने वाला हूँ गाइस, आप लोग देखना सिर्फ कि क्या होता है। अरे तो सिक्योरिटी मैं ऊपर अपनी टीम बुला ही लेता हूँ। ओ बात सब फ्रैंकली मैं भी आऊँ? हाँ अबे चुप हो बाबा सब ठीक है। ओके सो फाइनली गाइस मैं अपनी टीम बुला लेता हूँ। ओ टीम आ जाओ भाई आ जाओ। यस सर आते हैं अभी। हाँ भाई जल्दी आओ, कहाँ रह गए तुम लोग? ऑफिसर्स। अरे हाँ फ्रैंकली सर। तो गाइस ये ऑफिसर आप लोगों को लग रहा है ये पुलिस ऑफिसर्स हैं? नहीं गाइस, प्रेसिडेंट ना हमारी जो पुलिस फोर्स है जो हमारे लिए लॉयल थी गाइस, यार उन लोगों ने ना उन्हें भी बहुत ज्यादा टॉर्चर करके ना वो लोग अब मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन गाइस सिर्फ और सिर्फ छुप छुप करके वो मेरा साथ दे पा रहे हैं। लेकिन गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जितनी भी मेरी वो है ना फोर्स गाइस, मतलब मेरे माफिया सिक्योरिटी है, इन सबको मैंने बना दिया है ऑफिसर। अरे अरे फ्रैंकली सर मतलब हम फर्जी ऑफिसर है? हाँ गाइस ये फर्जी सिक्योरिटी बन करके जाएंगे प्रेसिडेंट के पास और वहां पर ये लोग खड़े होंगे। तो फ्रैंकली भैया स्नाइपर लगा के तो ये लोग भी मार सकते हैं प्रेसिडेंट को? नहीं शिनचैन, मारना बदला इनका थोड़ी है मेरा है ना। हाँ फ्रैंकली भैया ये भी बात करेक्ट है। तो भाई मारना तो मेरे को ही पड़ेगा ना? हाँ हाँ सही बात है सही बात है। ओके इस वास्ट टाइम क्या, अब टाइम क्या हो रहा है? 11:30 हो रहे हैं, प्रेसिडेंट निकलने में 12 बजे आएंगे। प्रेसिडेंट 12 बजे निकलेगा तो भाई तुम लोग भी लग जाओ जा करके रैली में, जाओ और अपनी अपनी जगह बना लो और वहाँ की सारी खबर मुझे देते रहना। हाँ फ्रैंकलिन सर। यार है सर बाबा सब। व्हाट अ ब्रिलियंट माइंडसेट यू हैव फ्रैंकलिन। अरे थैंक यू भाई चप्पो थैंक यू। हाँ सर जाते हैं, हम इजाजत दीजिए। हाँ भाई जाओ भाई, मैंने कौन सा रोका है। ए सुन ए ए सुन। हाँ बोल भाई बोल। अरे ये 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 प्रेसिडेंट आया क्यों नहीं अभी तक? अरे अरे आएगा आएगा, प्रेसिडेंट की पर असिस्टेंट तो आ गई है, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं आया। अरे ये तो मिलिट्री वाले हैं यार। मेरी तो यार ऐसी तैसी हो रही है, मैं ज़रूर मैंने ये पहन रखे, लेकिन हम तो फ्रॉड है ना, हम तो एक नंबर के फ्रॉड आदमी हैं, मतलब हम तो फ्रैंकली सर के आदमी हैं, है ना। तो अब कैसे होगा? हाँ सुबह हो गई है और इन लोगों ने बोल था ना। अरे अरे प्रेसिडेंट सर आप क्या हरकतें कर रहे हो सर इतने बड़े होकर के? अरे रैली के लिए तैयार हो रहा हूँ, एक्साइटमेंट थी। अरे फ्रैंकलिन का कुछ आया क्या कुछ भी? अरे फ्रैंकलिन का क्या आएगा, वो तो बर्बाद पड़ा हुआ है और आप बर्बाद और कर रहे हो उसे। हाँ मैं तो करूंगा ही उसे, और तुमने बोला था ना गाड़ी आ जाएगी, तुम्हारी कमिटमेंट। अरे सर आप मुंह बोली जवानी निकलती हमारी, देखिए जा करके उधर आकर के हमारी गाड़ी आ चुकी है। हैं गाड़ी मंगवा दी? ओ चलो ये बढ़िया हो गया, एक आर्मर्ड कार आ गई। फ्रैंकलिन अब अटैक करके देखा और ये अपनी ओ अच्छा रेसिंग पुलिस कार आई है। चलो भाई चलो हो गई है तैयारी। अरे हो प्रेसिडेंट सर हम आते हैं, आप चलिए। अब क्या फ्रैंकली भैया, व्हाट नेक्स्ट फ्रैंकली भैया? ओ रुक जाओ एक सेकंड, ये किसकी कॉल आ रही है? हां पीएस गैंगस्टर। पीएस गैंगस्टर भाई? अरे हां पीएस गैंगस्टर ब्रो। अरे पीएस गेमर भाई मैंने भिजवा दिया आपने जो मंगाया था। हां और तुम यार रैली से दूर रहना। अरे नहीं नहीं मैंने प्रेसिडेंट से पहले ही बोल दिया कि मैं रैली से बहुत ज्यादा दूर हूं, क्योंकि मैं कहीं वेकेशन पे गया हूं, तो आप जो करना आप करो। हां ठीक है, और गाड़ी तो आ रही होगी? हां हां पीएस गेमर भाई आप चिंता मत करो, आपकी गाड़ी आ रही है। अरे अरे ठीक है। आपने गाड़ी मंगाई है? हमारे पे थी तो माइकल भैया ने दी तो थी। शिनचैन वो गाड़ी पुलिस की नजर में आ चुकी है, हमारे डिफेंडर भी गाड़ी नजर में आ चुकी है, इसलिए मैंने पीएस गैंगस्टर की स्कॉर्पियो मंगाई है, किसी को शक भी नहीं होगा और वहां की जो पुलिस फोर्स है उन्हें भी शक नहीं होगा, और जो भी प्रेसिडेंट के चेले चपाटे होंगे उन्हें भी शक नहीं होगा, ठीक है। और ये स्कॉर्पियो जाएगी और हम चलेंगे।
वहाँ पे मेरे दो आदमी वो खड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, दो आदमी हमारे तीन चार ये खड़े हुए हैं। अरे भाई ड्रोन हटा ले, चुपचाप से ड्रोन हटा ले। अरे ओ कोई कुछ नहीं पता चलता किसी को। अरे यार ये प्रेसिडेंट कब तक आएगा? अबे भाई अबे प्रेसिडेंट के कुछ है नहीं और फ्रैंकलिन सर भी नहीं आया है, कहीं हम पकड़े ना जाए यार। अरे नहीं पकड़े जाएंगे यार, ऐसे नहीं पकड़े जाएंगे। अरे अरे भाई पैनिक मत करियो। अरे यार पैनिक कैसे ना करूं भाई, मेरी फटके चार हो रही है, देख ले यार यहाँ पे आसपास इतनी सिक्योरिटी है भैया, हम फर्जी हैं या पुलिस पकड़ लेगी मार देगी। ऐसे 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 कमजोर मत पड़। अरे भाई कमजोर ना पड़े तो क्या पड़े भाई, दिमाग की धज्जियां उड़ रही है भाई, देख ना प्रेसिडेंट आ क्यों नहीं रहा, मेरा पैर कांप रहा है बहुत गंदी तरीके से, लेकिन मैं स्थिर खड़ा हूँ। ओए किसी को शक मत होने देना, अगर शक हो गया ना गड़बड़ हो जाएगी, फ्रैंकलिन सर हमें जॉब से निकाल देंगे वो लोग। अरे भाई यहाँ पे सही है, फ्रेश है, हम दोनों ही लोग हैं यहाँ पे। अरे अरे सही है सही है। ए यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे तो हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि तुम्हारे बीच सिक्योरिटी है हमारे बीच नहीं। अरे बहुत अजीब लग रहा है कोई कुछ। अरे सर जी प्रेसिडेंट सर कब तक आएंगे? हाँ मुझे पता होता तो मैं देखना लेता। ओए सुन बे, ओए भीड़ में क्यों खड़ा है बे गोचू, पागल है क्या, मरवाएगा क्या? अरे यार भाई दिमाग खराब कर रहे हैं ये लोग तो। ओए सुन सुन। अरे हाँ भाई। सुन प्रेसिडेंट आते के साथ गोली नहीं चलानी है भाई, कहीं गोली चलाने लग जाए। अरे भाई तू पागल है क्या, तू पागल होगा मैं थोड़ी। स्कॉर्पियो वो भी पीएस गेमस्टर की, और क्या शेच है, आने दे। आती ही होगी। भाई ये गाड़ी है क्या? शेजन अबे भाई ये स्कॉर्पियो किस प्रकार की है, मैं इसके सामने इतना छोटा क्यों लग रहा हूँ? और भाई तुम ड्राइवर इतने समझ समझ के क्यों लाए हो? अरे अरे फ्रैंकलिन सर बात ये है कि ये फ्रेश गैंगस्टर सर की, अगर ये ठुक जाती तो मेरे को मार देते वो। हाँ ये बात भी है। ओ भाई साहब पीएस गैंगस्टर ने डॉन लिखवा दिया इसमें और ब्रावस वाले व्हील लगवा दिए। अरे भाई पीएस गैंगस्टर भी अलग कारों का शौकीन है, मतलब वो तो। अरे गाइस आपको क्या पीएस गैंगस्टर के बारे में पता है क्या, वो कारों का ज्यादा ही शौकीन है लगता है। अरे यार मुझे भी लगता है। बाबा सब तो चले। हाँ भाई चौपो ब्रूनो तुम अंदर बैठे रहना, ठीक है भाई साहब। ओ उतरो भाई उतरो। हाँ फ्रैंकलिन सर उतर रहे। अरे सर उतर रहे ना। हाँ ठीक है ना, बैठ जा चुपचाप से हट। आप ये चीज समीज में बोल देते तो क्या होता, मेरे को मारा क्यों? अबे तो इतने धीरे चला के ला रहा है। अरे फ्रैंकलिन सर ठुक जाती तो प्रेस गैंगस्टर सर मेरे को ही मारते। अरे फेयर फ्रैंकली भाई ये पीएस गैंगस्टर की गाड़ी है क्या है? भाई मुझे भी नहीं पता भाई, इतनी भयंकर कैसे बना दी? ओ मॉडिफिकेशन करके। भाई ये गाड़ी संभल ले रही है क्योंकि गाइस यार ये गाड़ी मैंने कभी चला ही नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम थोड़ी झेल लेंगे, हमने मंगाई है स्कॉर्पियो तो भाई झेल ही लेंगे। ओके सो गाइस पहुंचते हम डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से। ओ मेरा इन स्वैट ऑफिसर्स पे शक जा रहा है, ये जो स्वैट ऑफिसर्स जो है कुछ तो गड़बड़ है। प्रेसिडेंट ने स्वैट ऑफिसर्स तो नहीं बुलाए थे, तो ये कहाँ से आ गए, मैं पूछता हूँ जरा। ओ भाई ओ सुनो। हाँ। ओ हगरा क्यों रहा पहली बात? हाँ बोल भाई बोल। ओ स्वैट पुलिस ऑफिसर्स तो नहीं बुलाए थे प्रेसिडेंट सर ने? स्वैट पुलिस ऑफिसर्स नहीं बुलाए थे। अरे नहीं नहीं बुलाए थे, क्यों नहीं बुलाए थे? अरे तुम आओगे तो हम सिक्योरिटी के हिस्से नहीं है क्या, हम भी आएंगे? ओ बात तो तुम्हारी सही है। हाँ तो भाई तुम भी क्या बात करते हो यार, हम भी आएंगे, हमें भी नहीं पता था कि तुम्हें बुलाया है नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट सर ने तुम्हें तो नहीं बुलाया। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ तो किसी को पता नहीं है भाई किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया। अच्छा चलो सॉरी गलती हो गई। हाँ भाई अपने काम से मतलब रखो। अरे सॉरी माय मिस्टेक। बेटे के जान सवाल पूछ करके ऐसी तैसी कर देंगे तो भाई दिमाग खराब हो रहा है। क्या करे गाइस आप लोग सपोर्ट करो बस। प्रेसिडेंट ने तो इतनी सिक्योरिटी जमा कर दी अपनी रैली में, मेरे की हद पार भाई हद पार। भैया पहुंच गई।
भाई साहब कितनी ज्यादा सिक्योरिटी लगा रखी है इसने। अरे आप डर रही हो, पागल है क्या? ये हमारी सिक्योरिटी है। फ्रैंकलिन सर आप आ गए? हाँ भाई मैं आ गया हूँ। फ्रैंकलिन सर आप शांति से निकल जाइए, आपकी नंबर प्लेट में डॉन लिखा हुआ है सर, आप फंस जाओगे। अरे चिंता मत कर यार, हॉस्पिटल वालों से सेटिंग कर रखी है मैंने। प्रेसिडेंट आया नहीं आया? नहीं सर अभी वो नहीं आया। अच्छा प्रेसिडेंट नहीं आया, ओके। तो भाई शिनचैन देख रहा है ना सिक्योरिटी, ओ तुम कौन हो, हटो यहाँ से। ओ भाई आम आदमी हूँ मैं, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या करने वाले हो? रुक जा शिनचैन, मैंने पुलिस वालों से सेटिंग कर रखी है। अरे यार तो आ जाओ भाई चुपचाप से ऊपर आओ। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, आओ चुपचाप से। सो हॉस्पिटल वालों से सेटिंग करने का ये फायदा होता है। शिनचैन चॉप ब्रूनो को मैंने सेफली अंदर रख दिया है, और भाई साहब मैं इधर हूँ, यहाँ से मुझे क्लियर। भाई क्या कर रहे हो तुम इधर? फ्रैंकलिन सर आप इधर हो? सर मैं आपकी सेफ्टी के लिए हूँ सर, कोई भी आप पे स्नाइपर लगा रहा हो तो। अच्छा प्रेसिडेंट आया तो मुझे पक्का इन्फॉर्म करना है। सर जी चिंता मत करिए, प्रेसिडेंट की तो जैसे की तैसी। हाँ ठीक है ओके। सो फाइनली गाइस हम देखते हैं प्रेसिडेंट कब तक आता है, कब तक नहीं आता। और रास्ता क्लियर है, आ जाइए। हाँ रास्ता क्लियर है। बाकी इस गाड़ी में तो मैं वैसे भी सेफ हूँ, फ्रैंकलिन मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। अरे सर फ्रैंकलिन के आने का तो कोई चांस ही नहीं है। साला कभी कभी तो प्रेसिडेंट के लिए सॉरी फील होता है कि प्रेसिडेंट इतना बड़ा मोदू हो कैसे सकता है। और भाई साहब मेरे से बचने के लिए ये मेबाक की मर्सिडीज में आ रहा है भाई साहब, हद होती है यार। फ्रैंकलिन सर ये तो बिल्कुल ही चोबू है। हाँ भाई बिल्कुल ही। चल भाई प्रेसिडेंट तू जा, अब यार आ गया है टाइम मेरा भी अपना काम करने का। फ्रैंकलिन सर आप क्या करोगे? अरे फ्रैंकलिन भैया शिनचैन आ जाती है अपनी गोस्ट राइडर वाली पावर, मेरा मास्क लेकर के आओ। हाँ फ्रैंकलिन सर मैं लेकर के आता हूँ। फ्रैंकलिन तो वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लो चलो। गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट सर, आपने बहुत लेट कर दिया। हाँ आई एम सॉरी मैंने लेट कर दिया कुछ ज़्यादा ही, एकदम से बारिश की होने लग गई, और ये स्वेट ऑफिसर्स तो मैंने बुलाए भी नहीं थे, ये कहाँ से आ गए? अरे चलो भाई चलो, क्या हाल चाल है? अरे सर लेट कर दिया असिस्टेंट मेरे। अरे सर अरे मेरी असिस्टेंट ने तुम्हें संभाला ना? हाँ सर मैंने ज़्यादा संभाल लिया सर, अब आपकी बारी। हाँ अब मेरी बारी। निकालो मेरा मास्क, पता तो चले प्रेसिडेंट को कि कौन आया है, किससे पंगा लिया है उसने। गाइस मैंने मास्क पहन लिया है, तो 1 2 3